बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादपों की उसमें जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, आकारिकी होती है, उसको पढ़ना था, पढ़ रहे थे। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके जितने डिफरेंट पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट्स, सीड्स, इन सब के बारे में पढ़ना था। इसमें हमने शुरुआत की थी जड़ों के बारे में, जड़ें क्या होती, इनका काम क्या होता है, और जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, मोनोकॉट में जड़ें कितने प्रकार की, किस प्रकार की वो जड़ें होती हैं, और डाइकॉट में कितने, किस प्रकार की जड़ें होती हैं, एक बीज पत्री में जड़ किस प्रकार की होती है, और द्विबीज पत्री में जड़ किस प्रकार की होती है। और इसी के पश्चात हम लोग आगे पढ़ते हैं एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री के बाद, इसमें जड़ों में कुछ रूपांतरण हो जाता है, मॉडिफिकेशंस। रूपांतरण का मतलब इनका रूप बदल जाता है। जो वास्तविक पौधों की जड़ें होती हैं उन जड़ों में, रूट्स में, कुछ में मॉडिफिकेशंस हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। मतलब रूपांतरण का मतलब रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये रूपांतरित जड़ें कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, उनको आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। रूपांतरण, जड़ों में रूपांतरण, तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, जड़ों में रूपांतरण। तो सबसे पहला है, पढ़ते हैं बनियान। बनियान मतलब कि ये बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, बरगद के पेड़ में जो ऊपर शाखाएं होती हैं उन शाखाओं से नीचे की ओर शाखाएं लटक आती हैं, और जो नीचे की ओर शाखाएं लटक आती हैं वो जमीन के अंदर धस जाती हैं और एक तने का रूप ले लेती हैं। तो इन जो शाखाएं निकल करके जड़ में धस जाती हैं जमीन में, और जो एक अलग तना बन जाता है, अलग जड़ बन जाती है, तो वो प्रकार की जो जड़ें ऊपर से बरगद के पेड़ में लटकती हैं उसको हम प्रॉप रूट कहते हैं, प्रॉप रूट या प्रॉप जड़ कहते हैं। कलकत्ता के अलीगंज में एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ है जिसमें कि 800 से ज़्यादा प्रॉप रूट ऊपर शाखाओं से नीचे आके जमीन में धस चुकी हैं, और उसमें मुख्य तना कौन सा है ये भी पता ही नहीं चलता, क्योंकि शाखाएं, सभी शाखाएं जो ऊपर से नीचे धसी हैं मिट्टी में, उन सभी का जो थिकनेस है, उनकी मोटाई है, बहुत बढ़ चुकी है। तो पता ही नहीं चलता है कि मुख्य शाखा, मुख्य तना इसका कौन सा है पहले। तो वो एक तने का रूप ले लेती है और नीचे उसमें जड़। तो इस प्रकार से बरगद के पेड़ में, बनियान के टेस में, पेड़ में प्रॉप रूट्स होती, प्रॉप जड़े होती जो ऊपर से लटकती और नीचे मिट्टी में धस जाती। दूसरे प्रकार की मेज़, सुगर केन या मक्का, गन्ना, बांस, इन सब में क्या होता है, गांठों से शाखाएं निकल आती हैं। वो गांठें जो होती है ना बीच बीच में, गन्ने में, बांस में, मक्के में, तने में, तो वो जो गांठें जहाँ होती वहाँ से कुछ शाखाएं नीचे आकर के मिट्टी में धस जाती हैं। उन जड़ों को क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट जड़ या स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, जो कि बांस, गन्ना और मक्के आदि में तने में गांठों से जड़ें निकल आती हैं। गांठों को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नोड कहते हैं, नोड या गांठ, गांठ से जड़ें निकलती, वो स्टिल्ट रूट होती है। ये जो ग्रैमिनी फैमिली के पौधे होते हैं, एक बीजपत्री के पौधे होते हैं, जैसे कि ये गन्ना है, मोनोकॉट है, गन्ना है, बांस है, मक्का है, ये सब मोनोकॉट है, इनके तने में गांठों से ये स्टिल्ट रूट निकल आती है, जो कि तने को चारों तरफ निकल करके और जमीन में धस जाती तो तने को सहारा प्रदान करती है, जिससे कि इधर उधर तना झुकने नहीं पाता है, सपोर्ट करती।
और ऐसे ही बरगद में ये प्रॉपरूट जो होते हैं, बरगद का पेड़ बहुत भारी होता है तो नीचे धस जाती है जड़ें, तो बरगद की जो शाखा होती बहुत मजबूत, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको सहारा मिलता है। इसी प्रकार से एक पौधा होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा पौधा जो होता है वो दलदली स्थानों पर उगता है, जहाँ दलदल होती है, मिट्टी में दलदल होती है और खारापन पानी में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये पौधा राइजोफोरा उगता है। राइजोफोरा पौधे में क्या होता है कि मुख्य जड़ तो इसकी नीचे जाती है, फिर जो जड़ों की जो इसकी जो शाखाएं होती हैं इधर उधर फैल जाती हैं और उनसे जड़ें कुछ ऊपर निकल आती हैं, खूंटे के रूप में ऊपर निकल आती हैं। इन जड़ों को हम कहते हैं नुमेटोफोर्स या श्वसन करने वाली जड़ें। नुमेटोफोर्स या श्वसन, हिंदी में कहेंगे श्वसन मूल या श्वसन करने वाली जड़ें, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो ये राइजोफोरा ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ दलदल होती है मिट्टी में और उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पौधा मुख्य उगता है और इस पौधे के चारों तरफ तने, मुख्य तने के चारों तरफ ऊपर की ओर जड़ें निकल आती, इनको हम श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का आवागमन होता रहता है और ये जड़ें श्वसन करती, ऑक्सीजन का आवागमन होता है, ये जड़ें श्वसन करती, इसीलिए इनको श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इसमें उदाहरण आपको याद रखना कौन सा, राइजोफोरा, इसमें ऐसा होता है। तो न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन या श्वसन करती। अब इसके आगे पढ़ते हैं, कुछ पौधे में क्या होती है, भोजन संग्रह के कारण, भोजन संचित करने के कारण इन जड़ों का जो आकार होता है वो बदल जाता है। जैसे कि ये शलजम, गाजर, चुकंदर, इनमें क्या होता है भोजन संग्रह के कारण ये जड़ें फूल करके मोटी हो जाती। ये सभी क्या हैं, टैप रूट या मूसला जड़ें, टैप रूट या मूसला जड़। टैप रूट या मूसला जड़ किस में होती है, डाइकॉट में, द्विबीजपत्री पौधों में होती है। जो डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उनमें होती है। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि ये टर्निप है, शलजम है, ये भोजन संग्रह के कारण गुब्बारे की तरह एकदम फूल जाता है। गाजर क्या होता है, ये देखो शंकुआकार कून शेप्ड हो जाता है, ये कुंभी रूप जड़ हो जाता है, कुंभ घड़े के समान फूल जाता है, तो कुंभी रूप जड़ कहते हैं टर्निप में, शलजम में। और इसी प्रकार से गाजर ये शंकु का रूप ले लेता है भोजन संग्रह के कारण, इसमें साइड में मूल रोम निकले रहते हैं, तो इसे शंकुआकार जड़ें कहते हैं। गाजर में ऐसा होता है और चुकंदर में, स्वीट पोटैटो में क्या होता है, भोजन संग्रह के कारण जड़ कैसी होती, तर्क रूपी हो गई, तर्क रूपी या स्पिंडल शेप्ड, तर्क रूपी या स्पिंडल शेप्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से, और इनमें देखिए सभी में बाहर की तरफ मूल रोम निकले हुए हैं, और मूल रोमों का क्या काम होता है, जमीन से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ये मुख्य काम होता है। तो इस प्रकार से ये जड़ें भोजन संग्रह के कारण इनका आकार, इनका जो साइज होता है, शेप होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा रूप और इनका शेप एंड साइज चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण, तने को सपोर्ट देना है जैसे कि प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ये सपोर्ट करते हैं, और न्यूमेटोफोर्स श्वसन करने वाली, ये श्वसन करती है।
तो रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से मूसल जड़ों में भोजन संग्रह के कारण ये स्पिंड शेप्ड हो गई या कोन शेप्ड हो गई हैं, या पिचर लाइक हो गई, ये घड़े के समान कुंभी रूप जड़े, शंक्वाकार जड़े, स्पिंड शेप्ड रूट्स, तो ये संरचना बदल जाती। तो इस प्रकार से जड़े में रूपांतरण, इनका रूप में परिवर्तन होता है, भोजन संग्रह के कारण हो जाता है या विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, पौधे की मुख्य शाखा को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए इनकी संरचना में परिवर्तन होता है और विभिन्न प्रकार के, और ये परिवर्तन दोनों में होता है। जैसे डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होती है, तो मूसला जड़ों में भी परिवर्तन होता है, टैप रूट में भी परिवर्तन होता है, और एक बीजपत्री में मोनोकॉट में कैसी जड़ें होती हैं, मोनोकॉट में अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स या झकड़ा जड़ें कहते हैं, इन जड़ों में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से मॉडिफाइड रूट या रूपांतरित जड़ें क्या होती हैं, इनमें रूप में परिवर्तन क्यों होता है, किस लिए होता है, इनका कार्य क्या होता है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो ये जड़ों के बारे में आउटलाइन, इसकी जड़ें क्या होती हैं, पौधों में सहारा क्या करती हैं, इनकी संरचना में परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। कल आगे, इसी के आगे हम लोग स्टेम और लीफ, तना और पत्ती के बारे में डिस्कस करेंगे कि तने में क्या कार्य होता है और पत्ती का क्या कार्य होता है और इसमें भी किस प्रकार का परिवर्तन होता है। धन्यवाद।